Excess weight can become a big roadblock to success and also put us at risk of contracting serious diseases. Obesity has many causes, like genes, poor digestion, and thyroid disorders. But the biggest reason is poor lifestyle and lack of discipline. So what does it take to be fit and slim? Here is a simple yet important mantra to help you manage your weight. Diet. Fruits and vegetables and a diet low on carbs and high on protein. No fried and junk food. Exercise. 40-minute brisk walk 5 times a week or any aerobic exercise. Lifestyle. Good sleep, eating at proper time. In other words, the mantra for weight reduction is DEL. But many times, in spite of DEL, you may not lose weight. That's when you need an F in the formula. F is for food-based solution for dietary management. Introducing Elements Wellness Fit and Slim Therapy for the first time ever. An innovation that brings 3 novel products in one combo kit. 1. Meal replacement shake that provides nutrition and energy. Based on nutrition science, it is packed with vitamins, minerals, and high protein content. It can be had even without milk. Replace one meal, either breakfast or lunch, with this delicious shake. 2. Instant mix formula, a tasty protein soup with vegetables, an ideal pre-dinner snack. 3. Weight management capsules to promote metabolism of fats. It comes with the goodness of catechins, ginger, pepper, and for the first time, a combination of 2 enzymes, lipase and diastase. Wondering if Fit and Slim Therapy will actually work? Yes and yes. First, it's from Elements Wellness and therefore has a result-oriented formula. Second, very detailed advice and training will be provided by Harvest Success Academy to support your weight management efforts. So come, let's knock off the extra kilos. Let's say goodbye to obesity. Let's embrace life that is richer, happier, longer. Elements Wellness Fit and Slim Therapy. Lose weight. Feel great. नमस्कार सर। नमस्कार। मातृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, आचार्यभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः। आज हम आप सबको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हैप्पीनेस जो है अंत में मिलता है जब परिश्रम साथ में आता है। तो आज हम मैं कम से कम आप सबको, मैनेजमेंट को और सभी लोग जो इधर करीब 546 पीपल जो यहाँ इस डिजिटल प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं, सबको वोजस भरा साल का विश करता हूँ। वोजस एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत में है और आयुर्वेद में है। वोजस का मतलब है वो बहुत सारे गुणों से भरा हुआ, थिंग्स को वोजस कहा जाता है। वोजस होता है इम्यूनिटी, वोजस होता है स्वास्थ्य, वोजस होता है बल, ओजस होता है स्पिरिचुअल
हैप्पीनेस, और अंत में वो जिस जिसका सही है वो खुश रहता है और हैप्पी रहता है। तो मैं आप सबको ओजस भरा 2021 की शुभकामनाएं देता हूँ। ओजस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इम्यूनिटी ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ होगा, जितना इम्यूनिटी की जरूरत है उतना इम्यूनिटी रहे, बरकरार रहे, आप और आपकी सबकी फैमिली मेंबर्स को, और आप जिन जिन से मुलाकात करेंगे, जिनसे साथ ही काम करेंगे, सबको हमारा हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्री राजेश जी से मिलके, मृणालिनी चौहान से मिलके और विदेश जी से मिलके एक नया प्रयास किए हैं। लास्ट 9 से 10 महीने इस पे काम चला है, बहुत सारा चीज सोच के बनाई गई है, उसके बारे में ज्ञान दूंगा। इसका वजन, बेसिकली इसका वजह और वजन दोनों जो है हमारे प्रमोटर साहब को जाता है। जब से मैं माई लाइफस्टाइल से जुड़ा हूँ तब से ये कह रहे थे मुझसे कि भाई मेंटेनेंस ऑफ वेट के लिए कुछ बनाइएगा। मैं ही बोल रहा था कि साहब इसमें बहुत सारा परिश्रम करना होगा। अभी पहले हम अन्य जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, वेलनेस की रिक्वायरमेंट्स होता है, उसको पहले पूरा करते, उसके बाद जो वजन के बारे में काम करेंगे। तो ये क्षण लास्ट ईयर आया जब कोरोना से घर में बैठे बैठे चिंतन के लिए बहुत सारा टाइम मिला, और तब सोच के सब लोगों मिल के ये प्रोडक्ट और ये ऑफरिंग बनाए हैं। अभी हम प्रोडक्ट करके इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं ज्ञान और विज्ञान और साधन, तीनों देने वाले हैं। और ये जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज करके आप आगे बढ़ेंगे। विज्ञान, क्या विज्ञान है इसके पीछे, उसको मैं समझाऊंगा, और साधन और साधनों को कैसे यूज करना उसके बारे में श्री के राजेश जी आपको समझाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आलोक जी से कि मेरा एक पहला स्लाइड पेश कर ले। तो हम आज आप बात कर रहे हैं फैट टू फिट। तो आप सबको यही बताना चाहूंगा कि हम हमेशा वेलनेस के बारे में चिंतन करते, वेलनेस के बारे में बात करते, और कोई डिसीजेस के बारे में बहुत कम बात करेंगे। तो फैट टू फिट, फैट होना कोई डिसीज नहीं है मगर वो अच्छी भी नहीं है, और फिट होना बहुत ही लगा कि एक कोई इंसान, कोई उनका सिटीजन जो वेट से ऊपर है, जो उस एज और उस हाइट के ऊपर से वजन का आदमी हो, उनको बोला जाता है भैया तुम छुट्टी ले लो, जाओ घर जाओ, बैठो काम करो, और वजन को अपनी जो लाइफस्टाइल में जो सही होना चाहिए वजन उस रेंज में लेके आओ, फिर आपको हम आपको नौकरी में रखेंगे। तो आप देखिए एक पूरा कंट्री कैसे इसके बारे में सोचते हैं। तो इसी प्रेरणा से वो लेके जो हमारे प्रमोटर साहब ने बोला वजन की मैनेजमेंट के लिए कुछ बनाए, ये आपके लिए हम हाजिर करने वाले हैं, कर रहे हैं। उसके बारे में ज्ञान मैं आपको दूंगा, विज्ञान भी बताऊंगा, और साधन के बारे में राजेश जी बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप सबको कुछ तो ज्ञान है, हेल्दी वेट होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हमेशा वेलनेस के बारे में बात करते हैं, माई लाइफ स्टाइल में वेलनेस के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, और वैज्ञानिक का सोच के बनाया जाता प्रोडक्ट्स का। तो बॉडी वेट जो है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉडी वेट सही हो तभी हम हेल्दी रहेंगे, नहीं तो बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे। और बॉडी वेट क्या सही है, कैसे मैं जान सकता हूँ, इसका क्वेश्चन आपके मन में आएगा। उसका आंसर है कि ये एक कोई भी शख्स का एज, जेंडर, मेल या फीमेल, और हाइट, वो लेके बॉडी मास इंडेक्स करके वैज्ञानिक लोगों ने बनाई है। बॉडी मास इंडेक्स BMI बोला जाता है, इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है,
आप अपना हाइट को मेजर कर लीजिए और आप अपना वजन को मेजर कर लीजिए। बीएमआई इज इक्वल टू किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, मतलब आपका वजन जितना किलो है उसको आप भागाकरण करेंगे आपका हाइट को स्क्वायर करके, इसको बीएमआई कहते हैं। जिनका बीएमआई 25 से ऊपर होता है वो ओवरवेट है, ओबेस है और वो हेल्थ में बहुत सारा तकलीफों से जूझते रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे। जिनका बीएमआई 18.5 से 24.9 तक होता है वो सही वजन का रेंज में है, वो हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे अच्छे लगेंगे उनको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सिंपल वे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दर्शन किया आपने, कुछ अंडरवेट होंगे, नॉर्मल होंगे, ओवरवेट होंगे, ओवरवेट में भी बहुत ही हाई हो तो ओबेस हो जाएंगे, और क्लिनिकली ओबेस मतलब वो इतना ज्यादा वजन होगा उनको चलने फिरने में भी तकलीफ होगी, उनका हार्ट पे प्रेशर होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, उन लोगों को तो ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा शायद, ऐसा रेंज है बीएमआई का। और मैंने आपको अभी बताया कैसे बीएमआई को डिटरमिन करना, आपके लिए हो या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हो, आपकी टीम मेंबर्स के लिए हो, या जिनको आप ये साधन को पेश करेंगे बेचेंगे उनके लिए भी आप मेजर करके उनको बताए जा सकते हैं। ऑल यू नीड इज ए वेइंग स्केल एंड ए टेप टू मेजर देयर हाइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये इस स्लाइड में हमने आपको संक्षेप में बता रहे हैं हेल्थ वेट रेंज में, हेल्दी वेट रेंज में होने से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान होता है। हेल्दी वेट रेंज में होने से हाई अवेयरनेस होती है उनका वेट मैनेज करने के लिए, हेल्थ मैनेज करने के लिए, वही लोग हेल्दी वेट रेंज में रहेंगे, वो कमिटेड रहेंगे लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, आचार विहार सब में, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, सही चीजें खाना, गलत चीजें नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं होना, ये सब के लिए वो लोग बाध्य होते, अपने आप को कंट्रोल करते और लेजी नहीं होते, ये लोग हमेशा एक्टिव रहते और एक्टिव रहने से ही आपकी धन भी बनेगी, आपकी साधन भी बनेगी और आपकी लाइफस्टाइल सही रहेगा। ये लोग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या जिमिंग करते हैं या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं या जुम्बा करते हैं या डांसिंग करते या योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन करते और कोई भी चीज करे जिससे मेटाबॉलिज्म, पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म हर सेल के हर कण में सही रहेगा, ये करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव है। और स्टार्ची फूड, कार्बोहाइड्रेट्स हाई जिसमें होता है वही हमेशा खाते रहेंगे, नहीं खाएंगे ये लोग, मिश्रण करेंगे प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन सभी को, बैलेंस्ड फूड, ईट राइट जो कैंपेन चल रही है सरकार की तरफ से, ईट राइट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है राइस है, वीट है और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ स्टार्च ही है, मैदा है, इस टाइप की चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको बायोकेमिकली सिंपल चीज में बताएं, हम जो भी खाते हैं वो हमारी पाचन शक्ति से मेटाबोलाइज हो जाता है और फाइनली वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होके एनर्जी बॉडी को मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट्स राइस जैसा फूड्स को, बहुत सारे ट्यूबर्स को खाते हैं, पोटैटो को खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होता है। ये जब हाइड्रोलाइज होती है तो ये शुगर्स को प्रोड्यूस करता है, शुगर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, वाटर बॉडी में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम उच्छ्वास निश्वास के रूप से बाहर निकाल देते हैं, ये जो परिक्रमा है उस टाइम में एनर्जी हमें मिलता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं प्रोटीन टूट जाता है और पॉलीमर मटेरियल बनता है, उसके बाद अमीनो एसिड्स में आ जाता है, अमीनो एसिड्स जो है फर्दर डिग्रेड होके हमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाती है। फैट जो है अगेन
पॉलीअनसैचुरेटेड फैट में बदलता है, फाइनली फैटी एसिड्स में आ जाती है, फैटी एसिड को भी मेटाबोलाइज करके एनर्जी मिलता है। मगर जो शख्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं और पाचन शक्ति उनका सही नहीं है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, वो पचन होने के बाद भी जो अभी मैंने बताया एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को रेगुलेट नहीं करते, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को बॉडी जो है फैट में कन्वर्ट कर देता है और वो फैट जाके मर्दों में पेट के सामने इकट्ठा हो जाता है और लेडीज में बटक्स में स्टोर हो जाता है, तभी वजन बढ़ने लग जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को कंट्रोल करना है, कम करना है, प्रोटीन को इंक्रीज करना है, फैट को रेगुलेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट खाना ही नहीं है, खाना है, प्रोटीन खाना है, फैट भी चाहिए, मगर लिमिटेड अमाउंट चाहिए। और हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ लंघनम परम औषधम, मतलब फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, मतलब ये नहीं है कि आप इतना ज्यादा फास्ट कर ले, डाइट कर ले कि आपकी पूरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाए। लंघनम और रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग, प्लांड फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में दो दिन, या इंटरमिटेंट, दिन में कभी दोपहर में नहीं खाया, कभी रात को नहीं खाया, कभी शाम को जो स्नैक्स खाते वो ना किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी। अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, कम से कम 25 या 50 साइंटिफिक पब्लिकेशंस निकल चुका है जो वेस्टर्न साइंटिस्ट ने अमेरिका में, यूरोप में स्टडी किया है, जिन्होंने सुना लंघनम परम औषधम, अरे भैया इंडियंस लोग जो है फास्टिंग फास्टिंग कहते हैं, एकादशी के दिन उपवास करते हैं, द्वादशी के दिन अर्ली मॉर्निंग खाना खाते हैं, और हर 15 दिन में करते हैं, महीने में 4 दिन करते हैं, हफ्ते में करते हैं, कोई चतुर्दशी के दिन करता है, क्यों करते, क्या फायदा है? उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक खोज हुआ है एंड इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो लंघनम परम औषधम। और दूसरा, फास्टिंग मैंने जैसा कहा डज नॉट मीन इरेग्युलर फास्टिंग और टू मच ऑफ फास्टिंग। तो ये नेगेटिव्स जो है बहुत सारे हैं, आपकी हेल्थ जो है सही नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो संक्षेप में मैं कहूं, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं करते और बहुत सा सारे चीजें गलत गलत चीजें करते हैं, तब जो है हमारी वेट कंट्रोल में नहीं रहता, वेट मैनेजमेंट नहीं होता, वेट बढ़ जाता है। और जिनकी वेट बढ़ जाती है उसको कम करना बहुत सारा मुश्किल है। आपने सुना होगा भगीरथ प्रयत्न, भगीरथ जो है गंगा को लेके आया, कितना ज्यादा तपस करनी पड़ी, उतना ही ज्यादा तपस करनी पड़ेगी वेट को मैनेज करना हो। मगर हम नहीं चाहते हैं आप सब लोग तपस करें भगीरथ की तरह, मगर आपको एक वैज्ञानिक साधन देना चाहते हैं आपके हाथ में और अपनी कंज्यूमर्स को आप इसको पहुंचाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा मैंने कहा, हम आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे, हम आपको ज्ञान दे रहे, विज्ञान दे रहे फूड एंड न्यूट्रिशन का, और प्रोडक्ट प्लस एजुकेशन दोनों दे रहे, और ये टोटल किट जो है, टोटल पैकेज जो है आपके समक्ष मैं पेश करना चाहता हूँ, विथ थैंक्स टू द प्रमोटर एंड टू ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड मी एंड राजेश टू मेक दिस प्रोडक्ट अवेलेबल टू माय लाइफस्टाइल। मेरी नॉलेज में ऐसा ज्ञान विज्ञान साधन कोई और कंपनी के साथ में नहीं है, और ये हम आपको पहला इंडियन कंपनी है जो आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा आपको जो ऑडियो विजुअल में दिखाया है, फिट एंड सिम किट आपके पेश करेंगे। इसका एक हैंडल है, आप देखिए ये हैंडल उठाएंगे, पैकेट तो वजनदार नहीं है मगर आपके वजन को तो कंट्रोल कर देगा वो, और आप इसको पकड़ के आराम से लेके चल सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा किट को इकट्ठा बेचेंगे,
और उसके अंदर की चीजों को अलग अलग नहीं पेश करेंगे किसी को भी। इसीलिए ये अलग से स्पेशली डिजाइंड पैक है जो राजेश जी ने और अपनी टीम ने बहुत ही सोच समझ के बनाई है आपके लिए। और इसके अंदर एक शेक है, एक इंस्टेंट मिक्स है और एक कैप्सूल है। ये एक थ्री प्रोडक्ट का कॉम्बो है। और फिट एंड स्लिम थेरेपी, ये इतना बड़ा नाम है, नाम ही काफी है, जो हमारे प्रमोटर और राजेश जी ने मिलकर ये नाम फाइनलाइज किया है। आपको फिट रखने में मदद करेगा, आपको स्लिम बनने में मदद करेगा और एक थेरेपी है। थेरेपी का मतलब कंप्लीट होलिस्टिक ऑफर। ये नहीं है कि आपको एक कोई कैप्सूल दे दिया, भैया एक कैप्सूल खाते रहो आपकी वजन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा थेरेपी है। थेरेपी क्या है? ज्ञान विज्ञान साधन, तीनों मिला हुआ थेरेपी है ये। और ये फूड बेस्ड अप्रोच है। मैंने पहले भी कुछ लेक्चरों में बताया आपको, आयुर्वेद और हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अन्न अन्न औषधि और औषधि, अन्न को ही औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं। और वही सिद्धांत को लेके फूड एंड न्यूट्रिशन का साइंटिफिक अप्रोच लेके ये पूरा किट को हमने आपके लिए बनाया है। किट में क्या क्या है और क्या चीज इसमें स्पेशलाइज है, क्विकली आपको समझा दूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें पहला प्रोडक्ट है मील रिप्लेसमेंट शेक। इसका मतलब है, नाम ही आपको कहेगा, ये शेक को एक खाने के बदले में लेना है। मतलब या तो आप ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे या लंच नहीं खाएंगे, दोनों नहीं, एक कोई एक को। और इसको क्या करना है, इसके अंदर एक 30 सैशे मिलेगी आपको, ईच सैशे में 35 ग्राम्स है। इसको आप लेके 250 ml गरम दूध या ठंडा दूध में डाल के, जैसे आप मिल्क शेक बनाते ऐसा शेक बनाना है। यदि डिस्पर्शन में थोड़ी तकलीफ हुआ, पहले पाउडर को ग्लास में डालिए, थोड़ा सा मिल्क डालिए और स्टर कर दीजिए, एक पेस्ट हो जाएगा। बाकी पूरा ml मिल्क को इसमें डाल के शेक कर दीजिए। ऊपर से चीनी मत डालिए, इसके अंदर जो भी स्वीटनेस चाहिए वो ऑलरेडी है। चीनी डालेंगे तो फिर वही कार्बोहाइड्रेट है, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर वैज्ञानिक तरीके से बनाया है, इसमें टोटल वेजिटेरियन प्रोटीन है। हमने मटर से प्रोटीन आइसोलेट करके डाला है, वे प्रोटीन डाला है, स्किम मिल्क पाउडर का प्रोटीन डाला है और मिल्क भी है इसमें, होल मिल्क है। और अरे आपने बोला यार भैया एक ब्रेकफास्ट मत करो और या तो लंच मत करो, मगर एनर्जी कहाँ से आएगा भैया, और वाइटामिन और मिनरल कहाँ से आएगा। ये सारा समझ के इसके अंदर 20% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ऑलरेडी डाला हुआ है, बाकी सारा आपको आपकी खाने से मिलेगी। 20% रिक्वायर्ड रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इसके अंदर ऑलरेडी है। ये प्रोटीन रिच है, कार्बोहाइड्रेट है इसमें, क्योंकि बैलेंस्ड चाहिए थोड़ा सा है, और इसके अंदर फैट भी है थोड़ा सा है। और इसको शेक बनाइए। और हमने एक नया चीज इसमें सोचा है, जो हम और राजेश जी ने बहुत सारा डिस्कशन किया। आप में से बहुत से लोग इसको ऑफिस में बैठ के, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे भी लेना चाहेंगे, और आप बोलेंगे भैया वहां कहाँ गर्म दूध ले आऊंगा, वेयर विल आई गेट मिल्क, आई कांट कैरी मिल्क। सो देयरफॉर यदि आपको दूध नहीं मिलता, चिंता की बात नहीं है, 250 ml दैट इज 1 cup, टी कप जो होता है उसका इक्वलेंट पानी ले लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच हनी डाल दीजिए, 2 चम्मच शहद डाल दीजिए, स्टर कर दीजिए, उसको मिल्क के बदले में डाल के शेक बना सकते हैं। और ये भी बहुत सी टेस्टी शेक आपको मिलेगा, और हनी भी तो हेल्दी है, और ये मील रिप्लेसमेंट शेक है। करता क्या है ये, जो भी हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं या लंच में खाते हैं, वो हो सकता आपके लिए बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, अनकंट्रोल्ड है, और सही तरह से साइंटिफिकली सोचा नहीं गया, और आप कभी ब्रेकफास्ट ज्यादा भी खा लेंगे, लंच भी ज्यादा खा लेंगे,
तो ये सब रेगुलेट करने के लिए एक नियमित मात्रा में 35 ग्राम हाई साइंस बेस्ड शेक है। ऑप्शन से आपके लिए दूध के साथ भी ले सकते, नहीं तो हनी विथ वाटर 250 ml वन ग्लास वन कप ऑफ वाटर में हनी डाल के आप इसको बना सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला फॉर वेट वॉचर्स, ये हमारा वेट मैनेजमेंट का है। तो हम चाहते हैं कि रात का जो डिनर होगा आपका, वो भी डिसिप्लिन्ड वे में आप खाना खाए, और उसको रेगुलेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आपके लिए एक इंस्टेंट मिक्स लाए हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए सूप। ये टेस्टी फ्लेवर्ड प्रोटीन बेस्ड वेजिटेबल्स भी है इसके अंदर, कट एंड डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स है इसके अंदर, प्रोटीन्स है इसके अंदर, वेजिटेबल्स है, अमीनो एसिड्स है, और भी बहुत सारे चीजें डाला है, और ये इंडस्ट्री का एक्सपर्ट्स के साथ मिलके हमने बनाया है। जैसा आपको शेक का है ऐसे ये भी 30 सैशे मिलेगी आपको किट के अंदर। 20 ग्राम पाउडर होगा, इसको आप एक बाउल में डाल दीजिए, थोड़ा गर्म पानी डाल के स्टर कर दीजिए, और एक ढक्कन डाल के 5 मिनट रहने दे दीजिए। फिर इसके अंदर नमक चीनी वगैरह कुछ मत डालिए, सब कुछ डाला हुआ है और वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है, और आप इसको पियेंगे रिच सूप का एक टेस्ट आपको मिलेगा। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्टी सूप बनाया है। 1 घंटा आप रात का जो खाना खाते हैं उसका 1 घंटा पहले इसको आपको लेना है, और उसके बाद आप अपना रेगुलर खाना, प्रिफरेबली हाई वेजिटेबल्स एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन वाला, 1 घंटा सोने के पहले खाना खा लीजिए आप। क्या ये दोनों से काम बन सकता है? हमने सोचा इसके लिए थोड़ा और सिनर्जिस्टिक एक्शन चाहिए, इसीलिए एक तीसरा प्रोडक्ट है इस किट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक कैप्सूल है, वेट मैनेजमेंट कैप्सूल है। ये एक नॉवेल फार्मूला है, ACE है इसके अंदर। A इज आयुर्वेदिक हर्ब से इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता, जैसा जिंजर है, पेपर है, और इसके अंदर मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से टोटली प्रोवन कैटेकिन्स है। कैटेकिन्स आप जानते हैं, चाय में होता है, ग्रीन टी में होता है, और भी बहुत सारे हर्ब्स में। इसमें स्टैंडर्डाइज कैटेकिन 400 मिलीग्राम होगा कैप्सूल में, जो आपको मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल बढ़ाएगा, और 2 एंजाइम्स डाला है। पहली दफा इस टाइप की कॉम्बिनेशन है इंडिया में। एक लाइपेस है जो फैट को मेटाबोलाइज करने में प्रमोट करती है, और एक डायस्टेस है जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट आप फिर भी खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। ये दिन में 1 कैप्सूल लेना है, शाम को या रात को। हो सकता है जो अब आप सूप ले रहे हैं उससे थोड़ा पहले या उससे थोड़ा बाद में कैप्सूल खा लीजिए, उसके बाद आपका डिनर करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिट एंड स्लिम थेरेपी क्या इतने ही काफी है? इसके साथ आपको करना है हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना है कंफर्टेबल लेवल्स में, और डोंट बिंज ईट। अरे भैया मैं तो वेट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ये थेरेपी ले रहा हूँ, सब कुछ ये कर देगा, ये सोच के दिन में पूरा दिन खाते रहे, चबाते रहे, मत करिए प्लीज, फिर ये काम नहीं करेगा। और केयरफुली एवरी 4 आवर थोड़ा सा खाना खाना पड़े या कुछ चबाना पड़े खाइए। प्रिफरेबली वेजिटेबल्स लीजिए, सॉलिड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, इस टाइप का चीज लीजिए जो हाई फाइबर्स है, जो आपको वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कम करिए या अवॉइड कर लीजिए। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं वेट मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ये एक प्रण लीजिए, एक वोट लीजिए, और उसके साथ ये थेरेपी को यूज करिए, और ये रेगुलरली मॉनिटर करिए, आपका वेट देखते रहिए, वेस्ट सरकमस्टेंस
सर्कम्फरेंस मेजर करिए और बटक सर्कम्फरेंस विमेन में आप मेजर करिए, आपको पता लगता रहेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मुझे इंक्रीज करना है, क्या मुझे डिक्रीज करना, ये सब आपको ये साधन सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें डूज एंड डोंट्स कुछ जैसा हम हर प्रोडक्ट के लिए आपको बताते हैं, फास्ट फिट एंड स्लिम थेरेपी इज नॉट एन ओबेसिटी ड्रग। आप कभी भी इसको दवाई के तौर पे मत बेचिएगा, ये मत कहिए एंटी ओबेसिटी दवाई लेके आए हम, मत कहिए। और एंटी ओबेसिटी भी वर्ड आप यूज मत करिए, सिर्फ कहिए वेट मैनेजमेंट, वेट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, ये शब्दों को आप इस्तेमाल कर सकते। और जैसा पहले भी कहा, इसके अंदर जो तीन चीजें हैं उसको अलग अलग इंडिविजुअली मत ऑफर करिए कोई भी कंज्यूमर को। कोई कंज्यूमर ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ जैसा हम हमेशा कहते हैं हमारे पास साइंटिफिक डाटा नहीं है, इसीलिए कम से कम आधा घंटे से एक घंटा गैप दे वो मेडिसिन लेने का और इन प्रोडक्ट्सों को लेने के लिए। और प्रोडक्ट और साधन जो साथ में मिला के अभी राजेश जी बताएंगे आपको, उसको कंप्लाई करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। और यही शुभकामनाएं उसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका ओजस बनकरार रहे और आपकी धन भी प्राप्ति साथ साथ चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। 21 अगर हम राइम कविता के रूप में कहें तो 2021 में हम रहेंगे नंबर वन, यह मेरा पहला मैसेज। और दूसरा मैसेज है कि जहां हम नंबर वन नहीं है, कुछ जगहों पे हम नंबर वन नहीं है, 2021 में बनेंगे नंबर वन। तो इन शुभ बातों को आगे लेकर चलिए बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के ऊपर। कंप्यूटर में अगर आप DEL बटन दबाएंगे तो डिलीट आएगा, उसी तरह आप जिंदगी में DEL बटन दबाएंगे और उसके साथ F डालेंगे तो आप फैट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई फैट को डिलीट करना है, वेट को थोड़ा घटाना है, वेट को कंट्रोल करना है, तो एक और फॉर्मूला है, वो है DEL, यानी कि डाइट एक्सरसाइज लाइफस्टाइल प्लस F, जैसे कि ऑडियो विजुअल में दिखाया गया था। और इस F का मतलब है आज का ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट एलिमेंट्स वेलनेस फिट एंड स्लिम थेरेपी। तो हमारे प्रोडक्ट को तीन लक्ष्य हैं। सबसे पहला पड़ाव जो हमको पार करना है वो ये है कि हमको बनना है, इस प्रोडक्ट को बनाना है बेस्ट सेलर ऑफ माई लाइफस्टाइल। पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक आदमी 10 के बराबर है हीरो, उसी तरह इस प्रोडक्ट को भी 10-15 के बराबर होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर और MI लाइफ का बेस्ट सेलर होना चाहिए। हमारा दूसरा लक्ष्य है कि ना केवल MI लाइफ में बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर होना चाहिए, मतलब नंबर वन प्रोडक्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिनकी एम्बिशन कम है वो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ले सकते हैं, जिनका एम्बिशन, जिनके मतलब इरादे बहुत ही बुलंद है, वो वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ले सकते हैं, चॉइस आप पर है। और तीसरा, हमको इसे बनाना है बेस्ट सेलर इन FMCG हेल्थ केयर मार्केट इंडिया में, माने कि 2 साल बाद या 2.5 साल बाद अगर कोई पूछे कि देखो कंज्यूमर हेल्थ केयर में नंबर वन ब्रांड कौन सा है, हर एक को कहना चाहिए कि नंबर वन ब्रांड हेल्थ केयर में पूरे FMCG इंडस्ट्री में है एक कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग, जिसका ब्रांड का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस फिट एंड स्लिम थेरेपी। तो ये है अब हमारा सपना। क्या यह सिर्फ एक सपना है या इसके पीछे कुछ लॉजिक है? जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करता हूं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, विजन जब बड़ा होता है उसकी पूर्ति भी बड़ी होती है जब दो चीजें होती हैं। पहला, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, और दूसरा एक लाजवाब प्रोडक्ट, या इसको सॉल्यूशन कहिएगा। अगर लाजवाब प्रोडक्ट का महासागर जायंट अपॉर्चुनिटी के महासागर से मिले तो बनता है एक विजनरी अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं कहूंगा यह है एक प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। चलिए कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। रिसर्च में और काफी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद
ये फिगर हमारे सामने आता है कि अर्बन इंडिया मतलब जो सिटीज और टाउन्स में रहते हैं, दो में से एक शख्स अपना वजन या तो मेंटेन करना चाहता है या लूज करना चाहता है। मतलब 50% ऑफ इंडिया बोलते हैं कि उनको वेट लूज करना चाहिए या वेट लूज करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से और एक 25% लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जो वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन चलिए 50% का फिगर हम पकड़ के चलते हैं। अगर आप रूरल इंडिया को भी मिलाएं तो इंडिया में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना वजन या तो मेंटेन करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर वो 830 रुपए का भी खर्चा करे एक महीने में अपना वजन घटाने के लिए, और आप सब मानेंगे कि ये बहुत रीजनेबल नंबर है, अगर 830 रुपए भी अगर महीने का खर्च करेंगे एक साल में हुए 10,000, तो 30 करोड़ इंडियंस अगर वेट लूज करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी हो गई 3 लाख करोड़ की। मैं दोहराता हूं उसको, पूरा वेट लॉस अपॉर्चुनिटी भारत में है 3 लाख करोड़ की। अब डिसीजन आपका है, अपॉर्चुनिटी का कितना अपने हाथ में लेना चाहेंगे, 1%, 2%, 3% या 10%। 10% करेंगे तो 30,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाएगा। तो आपका जो टारगेट है सिर्फ आपकी विजन से लिमिटेड है, आपका जितना विजन है उतना टारगेट आप ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो वेट लॉस जो है या वेट मैनेजमेंट जो है सेकंड रैंक में आता है इन टर्म्स ऑफ जरूरतें। पहला तो आप समझ गए होंगे कोरोना के बाद इज इम्यूनिटी, पहला इम्यूनिटी, दूसरा वेट लॉस और तीसरा ब्यूटी। पहले था ब्यूटी, वेट लॉस, इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी, वेट लॉस, ब्यूटी हो गया रैंक में अपना COVID-19 के बाद। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और फैंटास्टिक प्रोडक्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने हमको समझाया, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो हमारा पहला टारगेट, जैसे आलोक जी ने कहा कि हमको 6th गियर में चलना है, हमारा पहला टारगेट है कि क्या ये 9E6 बन सकता है कंपनी के लिए। 9E5 तो हमारे पास है ही, क्या इसको हम 9E6 बना सकते हैं, मतलब 10 और ऐड करके इस प्रोडक्ट को एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बनाए, ये है हमारा सपना। तो क्या क्या है इस किट में, एक शेक है, एक सूप है, एक कैप्सूल है। अगर इसको आप कविता के रूप में बनाना चाहते हैं तो ये 3S फॉर्मूला है, शेक, सूप, सप्लीमेंट, आसानी से आपको याद आ जाएगा। शेक का पिक्चर वो रहा, सूप ऐसे लगता है और कैप्सूल एक अच्छे कार्टन में आता है। अब इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, घड़ी देखिए पैक के बाजू में। आइडियली आप ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर सकते हैं 8 बजे शेक लेके, 7 बजे शाम को 1 घंटा डिनर से पहले सूप लीजिएगा, और सोने से पहले, सोने का टाइम भी यहाँ पर फिक्स किया है, 10 बजे को कैप्सूल लीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे सोने से पहले बोला है सर ने, तो 3 बजे 3 AM को मैं ये कैप्सूल लूंगा, उससे का बात नहीं बढ़ेगी, उससे आप मोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट और मोटा वेट दोनों रहेंगे आप। तो आपको सही टाइम में सोना भी पड़ेगा, ये हमने लाइफस्टाइल के बारे में भी बात किया था। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमको समझा, अगर बाई चांस आप ब्रेकफास्ट में ये शेक नहीं ले पाएंगे और आपके पास मिल्क नहीं है ऑफिस में या जहां पर आपका मीटिंग चल रहा है, 250 ml पानी के साथ मिलाइएगा और बहुत 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 टेस्टी शेक है। मैं खुद ये किट के जो कंटेंट्स हैं 5-6 महीने से ले रहा हूं। मेरा वेट था 80, ऊपर गया 82 तक और आज 75 हो गया है, और मेरे को लाइफ में ऐसी कोई टेंशन नहीं है जिसके कारण अपने आप वेट घटे। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अब आप देखना पड़े, आप सोचेंगे कि किट के अंदर लगता कैसे, देखिए ऐसे इस टाइप के सैशेज में आएगा। सैशे अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आपको यूज करने का मन लगेगा, बहुत कन्वीनियंट है। डेली एक सैशे फाड़ा और उसको फेंक दिया कंज्यूम करने के बाद, और आपका कार्टन ऐसे लगेगा जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, 30 सैशेज एक पैक में डाले जाएंगे। सबसे पहली बात, मैं गिन रहा था कि ये वर्ड जो है प्रोडक्ट एटलीस्ट 25 या 26 बार यूज हुआ है अब तक। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको प्रोडक्ट मत बोलिएगा। फिट एंड स्लिम थेरेपी इज नॉट ए प्रोडक्ट बट ए सॉल्यूशन। तो आगे से इसको बोलिएगा फिट एंड स्लिम थेरेपी, जैसे डॉक्टर साहब ने बखूबी समझाया, थेरेपी मतलब होलिस्टिक अप्रोच है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के 4 हिस्से हैं। चलिए देखते हैं कि 4 बुलेट्स क्या हैं सॉल्यूशन के। पहला तो प्रोडक्ट खुद है,
जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ लोग कैप्सूल देते हैं और बोलते हैं कि आपका वेट रिडक्शन हो जाएगा, तो इसी को अगर दोहराया जाए, कुछ लोग गोली देते हैं और बोलते हैं कि आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे कतई नहीं होता। हमको एक, जैसे कि आप जानते हैं, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और डॉक्टर साहब ने हमको समझाया है कि ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, और ये आता है आपको ट्राइड एंड टेस्टेड एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड। ब्रांड का मतलब तो आप समझते ही होंगे, मैं दोहराता हूं, मैं हर मीटिंग में ब्रांड का डेफिनेशन समझाता हूं आपको। प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फर्क है दोस्तों? फर्क बहुत सिंपल है, फैक्ट्रियां प्रोडक्ट बनाती हैं, कस्टमर्स ब्रांड खरीदते हैं। अगर आपको मैं गाड़ी दिखाऊं जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक गाड़ी का बैक साइड लिखाऊं और आपको बताऊं कि इसका कॉस्ट कितना होगा, कुछ लोग बोलेंगे 5 लाख, कुछ लोग बोलेंगे 10 लाख, कुछ लोग बोलेंगे 12 लाख, अगर मैंने उस पर बेंस का लोगो डाल दिया, पीछे चिपका दिया, ऑटोमेटिकली 25 लाख से कम कोई बोलेगा नहीं गाड़ी का कॉस्ट। ये है ब्रांडिंग का जो वैल्यू। तो ये प्रोडक्ट जो है एलिमेंट्स वेलनेस से आया हुआ है, जो ब्रांड आज के दिन में एस्टेब्लिश हो गया, ना कि माय लाइफस्टाइल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नीचे, ये तो पूरे भारत में एस्टेब्लिश हो गया, इसलिए उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला है। तो आप जब इसकी प्रोपेगेंडा करेंगे, जब इसको प्रमोट करेंगे, तो पहली बात जरूर बताइएगा कि ये है एलिमेंट्स वेलनेस से, तो 50% तो गारंटी आ ही गया एलिमेंट्स वेलनेस नाम के कारण। तो 4 पॉइंट सॉल्यूशन में पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, लोग वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहला ये रीजन है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं कि बॉस करना क्या चाहिए वेट लॉस करने के लिए। तो इस बात को सरल बनाते हुए हमारी टीम ने क्या किया है, एक बुकलेट बनाया है, एक 8-10 पेज का बुकलेट, वो बन चुका है बुकलेट, जिसमें बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि वेट लॉस करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। बुकलेट की एक झलक दिखा देता हूं, ये रहा एलिमेंट्स का बुकलेट, पहला पन्ना, ये कवर पेज है। देखिए आप, अच्छे विजुअल्स और बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है, तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और इसको प्रमोट करने में बहुत आसान लगेगा। मैं अभी बुकलेट पूरी तरह से समझाऊंगा नहीं, लेकिन हर पेज को जल्दी से मैं मूव करते रहूंगा। BMI क्या होता है, कन्वीनियंस फूड, किस टाइप का खाना खाना चाहिए, वेट लॉस से क्या प्रॉब्लम होते हैं, अलग अलग तरीके क्या हैं वेट लॉस करने के लिए, फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी का जो महत्व है, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं, लग्नम परम औषधम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, लेट मेडिसिन बी दाई फूड, अपने बिहेवियर, अपने स्वभाव में क्या क्या आपको बदलाव लाना चाहिए। और ये बनाया गया है डॉक्टर साहब के नेतृत्व में बाय लॉट ऑफ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इन द कंट्री, काफी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स साथ मिलके इन्होंने एक राइटअप बनाया है, जिसको डॉक्टर साहब ने फिर सुपरवाइज करके पॉलिश करके आप तक सौंपा है। तो ये बुकलेट जैसा कि आप देख रहे हैं तैयार है, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और ये पढ़ते ही आपको लगेगा कि 5-6 साल का नॉलेज आपको 7-8 पन्नों में मिल चुका है। बुकलेट देखने पे आप मेरे बात का पूरा मतलब समझ पाएंगे। और ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी से बना हुआ है। तीसरा पॉइंट, देखिए एक और कारण जो हम वेट लॉस नहीं कर पाते है मोटिवेशन। 1 महीना करते हैं, 1.5 महीना करते हैं, उसके बाद गैस आउट, कहते हैं अरे कोई फायदा नहीं, हम लोग अभी वेट लॉस नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन एक ऐसी टूल है जो हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर को मतलब प्रोत्साहित करेगा कि देखो हमको वेट लूज करना चाहिए, वेट लॉस में बहुत फायदा है हमको। तो इसी बात को लाइफ देने के लिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी द्वारा हम एक एजुकेशन और मोटिवेशन प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा हार्वेस्ट FAST सीरीज। FAST का मतलब फास्ट नहीं है, FAST का मतलब है फास्ट एंड स्लिम थेरेपी सीरीज। इसका दूसरा मतलब है कि अल्टीमेटली आपको जो वेट लॉस मिलेगा, जैसे कि आप फास्टिंग करते हैं आपको रिजल्ट मिलता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसी टाइप का रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप डिसिप्लिन एक्सरसाइज
लाइफस्टाइल डिसिप्लिन से करेंगे और इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से कंज्यूम करेंगे। तो इसके लिए एक आइकॉन भी होगा, एक ब्रांड एम्बेसडर होंगे जो इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, और उनसे आपकी मैं जल्दी मुलाकात कराऊंगा जो ये हार्वेस्ट फास्ट सीरीज आगे बढ़ाएंगे। इसके मॉड्यूल्स ऑलरेडी 30% तैयार हो चुके हैं और कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स ई लॉन्च होने वाले हैं, और इसको देखते ही लोगों का मोटिवेशन और अवेयरनेस इतना बढ़ेगा कि कोई इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली यूज करने से नहीं चूकेगा। एवरी सिंगल पर्सन विल यूज द प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली। तो ये है थर्ड सॉल्यूशन। चौथा सॉल्यूशन जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हम अलग अलग मीडियम के जरिए इतने सारे मैसेजेस पहुंचाएंगे कि आदमी चाहे या ना चाहे नहीं भूल पाएगा कि फिट एंड स्लिम थेरेपी सॉल्यूशन जैसा एक सॉल्यूशन उसकी जिंदगी में है। व्हाट्सएप, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स रोज देखते हैं, कितना देखते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आएंगे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, वेट मैनेजमेंट के टिप्स के बारे में, लेटेस्ट मतलब कैसा चल रहा है प्रोग्रेस इस किट का, सारे इस टाइप के न्यूज आएंगे आपको व्हाट्सएप के जरिए। यूट्यूब का हार्वेस्ट के चैनल में काफी कुछ आपको न्यूज मिलेगा, और बाकी मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये चार पॉइंट सॉल्यूशन है। बुकलेट जिससे वेट मैनेजमेंट का अवेयरनेस बढ़ेगा, हार्वेस्ट का फास्ट सीरीज प्रोग्राम जिसमें आपको मोटिवेशन और हायर एजुकेशन मिलेगा कि कैसे वेट लॉस करें और कैसे वेट मैनेजमेंट को बनाए रखें, क्योंकि काफी बार वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन वेट लॉस को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है, और उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। एंड फाइनली जैसे कि मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो एक तो प्रोडक्ट है और उसके अराउंड ये तीन सॉल्यूशंस हैं। तो कुल मिला के मैं दोहराता हूं, ये हैमर करता हूं ये पॉइंट, फास्ट यानी कि फिट एंड स्लिम थेरेपी किट प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सॉल्यूशन है। आप देश भर के कस्टमर्स को एक सॉल्यूशन दे रहे हैं अपने वेट को या तो घटाने के लिए या तो बनाए रखने के लिए। अब चलिए बात करते हैं प्राइस ऑफ द किट। अब ये बात एक सस्पेंस वाली बात होने वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से किट का काफी न्यूज मार्केट में पहुंच चुका है। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि ये जो आधा घंटा मेरे पास है, क्या मैं आपको बताऊं कि किट की क्या खासियत है, क्या या कि मैं आपसे सुनूं कि किट की क्या खासियत है। इतना सारा न्यूज ऑलरेडी मार्केट में फैल चुका है, तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग के बारे में भी आपको फुल जानकारी होगी। प्राइसिंग डिस्कस करने से पहले आज मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने प्लेस करना चाहता हूं, और यही है मेरे प्रेजेंटेशन या स्पीच का मेन मैसेज दोस्तों, और वो कॉन्सेप्ट है COPH। COPH का मतलब है कि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपको कितना महंगा पड़ेगा वो। तो COPH का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ पुअर हेल्थ, मतलब अगर हमारा हेल्थ पुअर रहा मोटापे के कारण तो उसका कॉस्ट कितना है, हमको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। तो किट का प्राइस जानने से पहले हमको पुअर हेल्थ यानी कि बैड हेल्थ का प्राइस जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसको थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। आपको चार लेवल्स में तकलीफ हो सकते हैं अगर आपका हेल्थ पुअर है मोटापे के कारण। पहला, ब्लड प्रेशर, लिवर, डाइजेशन के इश्यूज आ सकते हैं। तीनों में से एक भी आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है, तीनों आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मिनिमम 15 साल तक आपको यह तकलीफ रहेगा। डॉक्टर के खर्चे, टेस्ट के खर्चे, आप एक छोटा सा अमाउंट भी लीजिए तो आपका खर्चा होगा 2 लाख 15 साल में। ये मैं बहुत कम फिगर ले रहा हूं लेकिन 2 लाख होगा। अब हम मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि बॉस हमको बाय वन गेट वन फ्री चाहिए, है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट वो तो है लेकिन कुछ फ्री भी दो। तो ये 2 लाख के साथ आपको कुछ फ्री भी मिलेगा जब आपको बीपी, लिवर, डाइजेशन आता का प्रॉब्लम आता है, वो है ट्रबल यानी कि तकलीफ। तो बीपी, लिवर, डाइजेशन के कारण आपको 2 लाख का खर्चा होगा और साथ में फ्री में आपको तकलीफ भी मिलेगा। अब सेकेंड लेवल पे जाते हैं, मंजिलें थोड़ी मतलब अभी दूसरी मंजिल पे जाते हैं, तीसरी मंजिल पे आएंगे अभी। दूसरी मंजिल पे अगर आप चेक ना करें तो आपको डायबिटीज, हार्ट अटैक और ऐसी बीमारियां आएंगी। मिनिमम 10 साल
तक आपको ये झेलना पड़ेगा। इसका खर्चा आप जानते हैं, डायलिसिस, हार्ट एलमेंट टेस्ट वगैरह का खर्चा कितना होता है। इसका खर्चा आपको मिनिमम 20 लाख रुपए होगा 10 साल में। मैं एक साल में नहीं कह रहा, 10 साल में आपको 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। और फ्री में क्या मिलेगा, जैसे कि तकलीफ मिली पहले केस में, आपको फ्री में दर्द, पीड़ा, ये सब आपको फ्री में मिलेगा। मानते हैं नहीं? अगर मैं स्टेज में होता तो आप सब हाथ उठा के कहते बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप स्क्रीन पे भी हाथ उठा के कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक बात कही है। तो चलिए फेमस तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल पे क्या होता है कि मोटापे के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है, और आप वक्त से पहले अपने करियर को छोड़ के रिटायर हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर 60 या 70 साल तक काम कर सकते हैं, तो आप 60 साल में ही अपना बोरी बिस्तर बंद करके चलते हैं कि अब मेरे को रेस्ट करना है। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, 10 साल की जो आमदनी है, और ऊपर आप हेडिंग देखिए, केस ऑफ मिस्टर मोटावेट, मैं मोटिवेट की बात नहीं कर रहा, अभी मोटावेट की बात कर रहा हूं। मोटिवेट की बात किया जाए जिसका आमदनी पर महीना है 20,000, अगर वो 10 साल पहले रिटायर हो जाए तो 30 लाख का फटका लगेगा उसको। 30 लाख का फटका लगेगा और फ्री में उसको मिलेगा टेंशन। तो तकलीफ, पीड़ा और टेंशन। चौथे लेवल के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, जितना ऊपर जाएंगे किसी और के करीब आ जाएंगे। तो चौथे लेवल में तो की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो शोक भरी बातें हैं और उसके बारे में हम अब बात नहीं करना चाहते। तो देखिए कितना कॉस्ट हुआ, मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 30 लाख। अगर इसकी तुलना में हम किट का प्राइस जानना चाहें तो मैं कहूंगा किट का प्राइस 0 है, क्योंकि प्राइस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा। किट खरीदना खर्चा नहीं है। आई विल रिपीट दिस, किट का कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि किट खरीदना खर्चा नहीं है, किट परचेज करना इन्वेस्टमेंट है, अपने हेल्थ में, अपनी खुशी में। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा शब्द क्या होता है, रिटर्न, है ना। इन्वेस्ट हम करते हैं तो हम रिटर्न्स चाहते हैं, रिटर्न में क्या मिलेगा, खुशी जिंदगी भर। तो ये किट, पहली बात, पहला मैसेज, प्रोडक्ट नहीं है, सॉल्यूशन है। दूसरा मैसेज, इस किट का कॉस्ट 0 है, प्राइस 0 है, ये है इन्वेस्टमेंट एक, जिसका रिटर्न है आपकी बाकी जिंदगी के लिए भरपूर खुशी। अब इस बारे में सोच के आप बताइए कि किट का प्राइस, अगर प्राइस की बात ही करनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 लाख, 50,000, 25,000, उससे बहुत कम है। ये जो फास्ट टीम है हमारी, इसमें कई सारे मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर नारायणा को मैं नमस्कार करना चाहूंगा और थैंक यू कहना चाहूंगा दिल से, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता। उन्होंने इतनी मेहनत की है, सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को एक साथ मिला के शेक जिन्होंने बनाया है, वो दुनिया के नंबर वन शेक कंपनी में साइंटिस्ट रह चुके हैं। सूप जिन्होंने बनाया है, वो यूनिलीवर में फूड प्रोडक्ट्स बनाते थे। बुकलेट जिन्होंने बनाया है, वो एक टॉप क्लास न्यूट्रिशन कॉलेज के पैनल से बनाया हुआ है। डॉक्टर नारायणा सर, मेरे को आप दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, आपको मैं सादर प्रणाम करके नमस्कार करता हूं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। दूसरे टीम मेंबर हैं हमारी मृणालिनी मैडम, जो बहुत कम दिखती हैं स्क्रीन पे या स्टेज पे, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सारा पैकेजिंग, बढ़िया स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उनकी मदद से हमारे पास आज मिल रहा है। तीसरे, मिस्टर वीरेश मेहता जी। मिस्टर वीरेश मेहता जी नॉर्मली प्रोडक्ट परचेज के टाइम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन आप ये जान के अचरज होगी आपको कि इस प्रोजेक्ट में वो डे वन से हमारे साथ में है। डे वन से हम वीकली मीटिंग्स करते हैं मैन्युफैक्चर के साथ, डिजाइन डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, उन सब में वीरेश मेहता जी का बहुत बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो तहे दिल से मैं वीरेश मेहता जी को भी थैंक यू कहता हूं। और चौथा, माई लाइफस्टाइल का ग्रेट मैनेजमेंट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां हर चीज 5-6 बार टेस्ट हुआ है। अगर पैकेजिंग डिजाइन है
तो 5-6 बार टेस्ट हुआ है मैनेजमेंट के साथ। अगर किट का नाम है तो 5-6 बार टेस्ट हुआ है मैनेजमेंट के साथ, और पूरे टेस्टिंग के बाद, क्लियरेंस के बाद ही सब कुछ चुना गया है। और आप मेरी बात मानेंगे जब मैं कहूंगा कि किट का पैकेजिंग वाकई वर्ल्ड क्लास नहीं, ग्लोबल क्लास है, इट टॉप क्लास पैकेजिंग है, और नाम भी ऐसा चुना है। लेकिन इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में, और मैं कहूंगा जिसके कारण ये प्रोजेक्ट एक ब्लॉकबस्टर बनने वाला है, वो है एक ऐसे शख्स का जिन्होंने शुरू से एंड तक इस प्रोडक्ट की तैयार में बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। किसका आइडिया था कि ये प्रोडक्ट एक किट के फॉर्म में आना चाहिए, उनका आइडिया था। किनका आइडिया था कि इस प्रोडक्ट में एक शेक होना चाहिए, एक सूप होना चाहिए, और हो सके तो एक कैप्सूल भी डालना चाहिए, उनका आइडिया था। किनका आइडिया था कि इसको हम बाकी कंपनियों की तरह जार में नहीं देंगे लेकिन डेली यूज सैशेज में देंगे, जिससे कि बहुत सुविधा हो हमारे कस्टमर को इसे डेली यूज करने के लिए, उनका था। और किनका आइडिया था कि देखिए पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, कि मैं पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करूंगा, अगर रिजल्ट आया तभी हम जाके अपने वैल्यूएबल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये भेंट देंगे, उनका आइडिया था। और देखिए ये सबसे ऊपर खड़े हैं, ये हमारे गॉडफादर हैं, हमारे मेंटर हैं, और फिट एंड स्लिम थेरेपी के निर्माण में इनका मैं कहूंगा कि बहुत 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 एक्टिव और मेजर रोल रहा है। तो यह एक ही कारण है जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि यह किट आने वाले दिनों में 96 बनेगा, और कुछ दिनों में इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नंबर 1 प्रोडक्ट बनेगा, और कुछ ही दिनों में या शायद 2-2.5 सालों में FMCG मार्केट हेल्थ केयर का नंबर 1 प्रोडक्ट माना जाएगा। तो जिन लोगों को देश से बहुत प्यार है, जैसे कि वो पुराना गाना है आई लव माई इंडिया, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है वर्ल्ड में जो मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया है, एंड मेड बाय इंडिया के जो बेस्ट लोग हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, उन्होंने निर्माण किया है इस प्रोडक्ट को। तो क्या शक है कि ये प्रोडक्ट आगे जाके हर कोई सेक्टर में, हर कोई एरिया में जाके इंडिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 1 बनेगा। दोस्तों डिसिप्लिन इसमें बहुत बहुत क्रिटिकल है। ये 4-5 बार हम कह चुके हैं कि डेल प्लस एफ, एफ हुआ फिट एंड स्लिम थेरेपी, डेल हुआ डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल। हम ये नहीं कह रहे कि पौधे और पत्ते खाइएगा, हम ये नहीं कह रहे कि दिन में 8 घंटे व्यायाम कीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा स्ट्रेस फ्री लाइफ दीजिएगा, बट हम ये कह रहे हैं कि एक बेसिक मिनिमम जो है डिसिप्लिन वो होना चाहिए, और फाइनल डिसिप्लिन है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी इस किट पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हम कितना वेट लूज कर सकते हैं सर। मैंने कहा वो आप पे डिपेंड है कितना डिसिप्लिन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। उनका वजन था अराउंड 100 kg, तो मैंने कहा आप मेरे ख्याल से आराम से 6 या 8 kg एक महीने में लूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा चलिए सर 8 kg पकड़ते हैं, 30 सेशंस है आपके, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 15 सेशंस लूं और मेरा 8 की जगह 4 kg वजन कम हो। दोस्तों ऐसा नहीं होता, 30 सेशन में आपका वजन अगर 8 किलो कम होना है तो 29 सेशन आप लेंगे तो मेरे ख्याल से वजन 0 ही कम होगा, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा दिस प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन साइंस। तो अगर आप 20 सेशन ले सकते हैं 20 दिन में, तो क्यों ना 30 दिन में 30 सेशन दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि पिक्चरों में कहा गया जो जीता वही सिकंदर। और अगर आपको सिकंदर बनना है वेट लॉस के लिए तो आपको हर दिन 30 दिन ये यूज करना चाहिए। इसलिए हमने इसको सैशे के रूप में पेश किया है, ना कि बोतल के रूप में पेश किया है। सूप सैशे में है, शेक सैशे में है, और कैप्सूल तो गिनती पूरी 30 की है। तो अगर 30 दिन यूज करने के बाद आपका शेक का डब्बा खाली नहीं है, आपका सूप का डब्बा खाली नहीं है, या आपके कैप्सूल के डब्बे में कुछ कैप्सूल अभी भी हिल रहे हैं, इसका मतलब आपने पूरा जोर नहीं लगाया अपने वेट मैनेजमेंट की ओर। तो डेफिनेटली एंश्योर कीजिए कि 10 दिन आप स्टार्ट करेंगे, एक डायरी मेंटेन कीजिएगा,
और 30 दिन के बाद अगर आपका शेक, सूप और कैप्सूल का डब्बा तीनों खाली हो गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप मशीन पे चढ़ेंगे, वेट मशीन पे चढ़ेंगे, आपको एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज मिलने वाला है। तो दोस्तों, अंत में मैं इतना ही पूछना चाहूंगा आपसे कि आप क्या तीनों लेवल पे तैयार हैं फिट एंड स्लिम थेरेपी सॉल्यूशन को लेके? पहले लेवल पे क्या आप पक्का रिजॉल्व या रेडी है कि आप अपने आप को फिट एंड स्लिम बनाएंगे? जैसे पहले आपको खुद उदाहरण होना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए। दूसरा वादा, क्या आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को फिट एंड स्लिम बनाने के लिए तैयार हैं? और तीसरी बात, मत भूलिएगा कि ये 3,00,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा तीसरे लेवल पे आपसे ये सवाल है कि क्या आप पूरे इंडिया को फिट एंड स्लिम बनाने के लिए तैयार हैं? फाइनली मैं वही दोहराना चाहूंगा, द जॉय ऑफ बीइंग लाइट वेट, लूज वेट, फील ग्रेट। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑनलाइन, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। என்னோட மாலை வணக்கங்கள் எல்லாருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் மீ தேங்க் காட் ஃபார் கெட்டிங் மீ சச் எ வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அகெய்ன் டு பி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் யூ பீப்புள். வெரி 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 கிளாட் அண்ட் ஹாப்பி. நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் அவர் டாக்டர் சாப், டாக்டர் நாராயண சாப், ஆப்கோ பி சார், வெல்கம் அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் அவர் ப்ரோக்ராம். தென் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் அவர் மை குட் ஃப்ரெண்ட், my consultant, my brother, Mr. K.K. Rajesh ji, aapko bhi haath jod ke vandan karke invite kar raha hu sir. Mr. Kailash ji, Mr. Salil ji, total my life management from vice president Aluk ji se leke Sunil ji se leke Nikhil Chandan, Kunal Chandan se leke sare RMs, ARMs ko leke sare staff, aap sabko Praveen Chandan ka welcome hai. Dosto, last but not the least, रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव जी से लेके हमारे फाउंडर दयाल जी से लेके मुबीन मोहम्मद जी से लेके सारे डायमंड्स, सारे आईटीसीज, यूटीसीज, जेटीसीज, सब लोगों को प्रवीण चंदन कोटि 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 प्रणाम करता है दोस्तों, और आप सबको वेलकम करता है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, 2021 मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा। इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर बिकॉज 2020 सबके लिए अप्स एंड डाउन था। 2021 मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि 2021 अपने लिए एक रॉकस्टार बने, ऐसा एक रॉकस्टार बने कि इम्पॉसिबल टाइम पे हमने पॉसिबिलिटी की थी और अभी पॉसिबल टाइम है, तो हमको बहुत ही सुपर डुपर काम करना है। व्हाट आई मीन टू से सुपर डुपर, मेरा एक ही टारगेट है कि अगर कोई आदमी का इनकम आज 1,00,000 रुपया महीने का हो तो वो 5,00,000 पे आए, 5,00,000 का हो तो 10,00,000 पे आए। आप सबकी ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, एंड आई विश गॉड दैट गॉड ब्लेसेस ऑल माय लाइफ फैमिली मेंबर्स टू गेट टू अचीव द ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। दोस्तों, 2020 अभी एक 7 महीने पहले मैं चेन्नई में थोड़े ग्रुप्स में हूं सर, आई एम लिटिल फेमिलियर ओवर हियर। तो थोड़े ग्रुप्स में जब हम लोग बात कर रहे थे, उसमें बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ट्रेडर्स है, बैंकर्स है, बहुत वैरायटी के लोग हैं, इनफैक्ट फॉरेनर्स भी ज्यादा है। उनसे मेरी बातचीत हो रही तो वो लोग सब बोल रहे थे कि लॉकडाउन जैसे अनाउंस हुआ था, सब लोग सैलरी कैसा हम लोग देंगे, सैलरी कट करेंगे, बहुत से लोगों ने सैलरी कट भी की, लोगों की जॉब से भी निकाल दिया था, बहुत से लोगों ने तो ऐसा ऐसा गलत काम किया कि लोगों के हाउस रेंट, ऑफिस रेंट वो तक नहीं दिया। My dear friends, everyone had corona, everyone had problem, it was a natural problem, right? Why other person has to face? Dosto, maine us meeting pe main stage pe chadh gaya, matlab it was about Zoom meeting tha, maine un sabko ek hi ek cheez bola, main na kisi ka ek aadmi ka salary rokunga, na meri company mein koi bhi ek distributor ka bhi income hold karunga, sabko pura dunga, zarurat pada और भी दूंगा। अगर 6 महीना कोरोना रहा, 1 साल रहा, 5 साल रहा, जितना मेरे अंदर दम है, जितना मेरे अंदर दम है, इतना मैं मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, एमआई फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करूंगा करके मैंने खड़ा होके बोला था। दोस्तों, मेरा एक ही एक मानना, कोरोना आया 2020,
2020 अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। पहले अपन बोलते बुरा क्या हुआ, बुरा यह है बहुत से लोगों के एकदम क्लोज एसोसिएट एक्सपायर हो गए होंगे, मेरे भी एक क्लोज एसोसिएट एक्सपायर हुए थे, ऐसे बहुत से लोगों को हुआ, बहुत से लोगों का इनकम गया नो डाउट, बहुत से लोगों का जॉब गया नो डाउट, बहुत से लोग फैमिली में डिप्रेस हो गए नो डाउट, बहुत से लोगों को लाइफ में इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी कि उनको घर जाने के लिए 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर चल के जाना पड़ा। 100% ऑल इज राइट, ऐसा नहीं है कि अपने गवर्नमेंट ने एफर्ट्स नहीं लिए, यस दे हैव डन देयर बेस्ट, बट स्टिल दिस आर द वर्स्ट थिंग्स। यस वन मोर वर्स्ट थिंग, बराबर बीबी के साथ जो पहले झगड़ा नहीं करता था, घर में बैठ के 6 महीना बैठ के झगड़ा भी होना चालू हो गया, बराबर देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल ऑन दैट। अच्छा ये बुरा चीज, नेगेटिविटी कम बात करते, पॉजिटिव पे आते हैं। पॉजिटिव क्या हुआ कोरोना आने की वजह से, पॉजिटिव क्या हुआ, पहला आदमी को जिंदगी का मतलब मालूम हो गया। आज एक पक्षी है, आज हम लोग ऐसे ही आराम से घूमते आते हैं, इतना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इतना कचरा फैलाते हैं सब कुछ, बराबर आज एक बर्ड को ले लेते हैं, उसकी जिंदगी क्या अपने को मालूम है। भगवान ने हमको एटलीस्ट बेर मिनिमम 1.5 महीना घर के अंदर या पिंजरे के अंदर रखा, हमको एहसास करवाया कि भैया तुम भी, यू आर ऑल्सो, आपके अंदर भी एक आत्मा है जो एक पक्षी के अंदर भी है, सबके अंदर है, आप उसको तड़पा रहे हो, 40 दिन तो आपको भी तड़प के देखना है। दोस्तों दिस इज वन ऑफ माई पॉइंट, माई फीलिंग। पॉइंट नंबर टू, बहुत से लोगों को जैसे, मतलब मेरा पॉइंट है कि बहुत से लोग वेट घर पे बैठ के वेट लॉस किए, बहुत से लोगों वेट गेन भी किया है, बराबर, लेकिन मेरा पॉइंट है कि भगवान ने हमको ये बताया अगर आपको इनकम नहीं है फिर भी आप कैसे जी सकते हो, अगर आपको इनकम नहीं है फिर भी आप कैसे जी सकते हो, अनवांटेड फालतू खर्चा कैसे आप कम कर सकते हो, कोरोना ने हमको सिखाया। दोस्तों जॉब, जो बहुत लोगों को फॉरेन से इधर भेजा गया, जॉब लेस हो गए, उन सब लोगों को भी अपने देश में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ, परिवार का महत्व इंपॉर्टेंस बता दिया है भगवान ने, यह बता दिया कि तुम भाई भले फॉरेन जाओ लेकिन अपने परिवार के साथ जुड़ के रहो, मुश्किल के वक्त में परिवार काम आता है, दूसरा कोई काम नहीं आता। दोस्तों अभी ये तो हुआ था, दिस इज अ जनरल सिनेरियो व्हाट आई एम टॉकिंग, लेट्स टॉक अबाउट माय लाइफस्टाइल। दोस्तों माय लाइफस्टाइल में बराबर क्या अच्छा हुआ, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ दोस्तों, मेरे को अगर पूछोगे एक भी हफ्ता माई लाइफस्टाइल ने किसी का भी इनकम नहीं रोका, ये सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ है। क्यों दोस्तों, भगवान, मैं हमेशा मेरा हर मीटिंग में मैं एक चीज बोलता हूं, सबसे पहले मैं खुदा को शुक्रिया अदा करता हूं, करता हूं नहीं करता हूं सर, मेरा सारा मीटिंग आप सारे लोग देखियो, 50 लोग का मीटिंग हो, 500 लोगों का मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो या 5 लाख लोगों का मीटिंग हो, मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, बिकॉज भगवान ने हमको भेजा है आप सबके अच्छे के लिए, दुनिया में अच्छा करना के लिए। दोस्तों इतना कोरोना आया, इतनी कंपनियां, मैं थोड़े नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जानता हूं, कंपनियां बंद हो गई है, प्रोडक्ट दे नहीं पाए, हम बराबर प्रोडक्ट दिए, हम बराबर सबको इंसेंटिव दिए, हमने कोरोना वॉरियर्स को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बाहर निकल के फील्ड में काम किए, बराबर जो रिटेलिंग सीखे, समझे, सिखाए, वो सारे लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये सबसे पहले भगवान ने हमको बराबर एक एग्जाम रखा, भगवान सबको एग्जाम रखता है, बराबर जो एग्जाम में पास हो गया पास हो गया, जो फेल हो गया फेल हो गया, लेकिन भगवान ने हर बंदे को परीक्षा देखता है, सबको परीक्षा देखना देना जरूरी है। भगवान ने कोरोना लाके हमको एक एग्जाम दिया दोस्तों, हमने वो एग्जाम पास किया, उसकी वजह से हमारे सीईओ सर ने बोला कि अपना बिजनेस 30 times 35 times बिजनेस बढ़ा, राइट और रॉन्ग सर? दोस्तों हम लोगों एग्जाम पास हुए, बहुत से लोग फेल हो गए, ये आज हम पास होने का भी कारण भगवान का ही है, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे भी टोटल एमआई मैनेजमेंट, इंडिया शॉपिंग मैनेजमेंट, आरएम से लेके वीपी से लेके फ्रेंचाइजी से लेके पीयूसी से लेके टॉप लीडर्स से लेके सारे लीडर्स फील्ड में उतर के एक दूसरों को सपोर्ट करके काम किए हैं। Am I right or wrong, sir? If I am right, तो भगवान ने हमको परीक्षा दी,
दोस्तों मैं एग्जाम में पास हुआ नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं MI लाइफस्टाइल के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे लोग पास हो गए, उसकी वजह से आज सबके चेहरे पे स्माइलिंग फेस है। और मेरा वादा है आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाने के लिए 2021 में ही मैं पहुंचा दूंगा दोस्तों, 2021 में ही पहुंचा दूंगा। मतलब ये है कि जो आपका ड्रीम है, समझ लीजिए आपको गाड़ी लेनी है, आएगी सर, बस भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि 2020 भी अपना था, 2021 भी अपना है, 2022 भी अपना है रहेगा। दोस्तों अभी कंक्लूजन मेरा ये था कि कोरोना की वजह से हमको हमारी लाइफ में सीखने को बहुत मिला, रिटेलिंग सीखने को मिला, रिपर्चेसिंग सीखने को मिला, कैसे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का मालूम पड़ा। अपने रिलेटिव जिनके पास इनकम नहीं था, जितने दूसरे कंपनी के नेटवर्क बस जिनको इनकम नहीं था वो लोग बोल रहे थे कि आपकी कंपनी क्या करेगी, वो सारे लोग अपने साथ जुड़ने लग गए। जितने लोगों का बिजनेस खत्म हो गया वो सारे लोग अपने साथ जुड़ने लग गए, जिन लोगों का जॉब चले गया वो सारे लोग अपने साथ जुड़ने लग गए। जो हाउस वाइफ पहले जिंदगी में काम नहीं करते थे आज दे हैव टेकन इनिशिएटिव, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, दे हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग एंड दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इनकम्स ऑफ देयर ओन। दिस इज नथिंग बट वुमन एम्पावरमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़े दिन पहले निखिल चंदन के साथ बैठा था, मैंने निखिल को बोला निखिल तेरे को अनदर वन मंथ व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू प्लान इज फॉर यंगस्टर्स बिलो 25, जितने भी यंगस्टर्स है उन यंगस्टर्स को एक कार अचीवर और एक महीने का बेयर मिनिमम करोड़पति का लखपति का एक प्रोग्राम बनाना है तेरे को, और तेरे को पूरा इंडिया में ट्रेवल करना है। कोरोना ने हमको ये बोला है डरना नहीं लगना है, डरना नहीं लगना है। मैं तो हमेशा यही कहता हूं डरना नहीं, बराबर। सुशांत सिंह एक्सपायर हो गया, उसकी किस्मत खराब, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, वो डरा वो मरा, जो नहीं डरा वो जीता। आज आपको मेरे को किसी को कोरोना नहीं आया है, बिकॉज हम डरे नहीं है, हम लड़े हैं। दोस्तों हमको हमारी लाइफ में लगना है, हर एक बंदा जो 25 साल की उम्र का है उसको हर महीने का 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम आनी चाहिए। और विद द सपोर्ट ऑफ निखिल चंदन, वाइस प्रेसिडेंट आलोक जी, सलील जी, राजेश जी, डॉक्टर साहब से लेके कैलाश सर से लेके सारे लोगों के सपोर्ट से हम पक्का ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि जो बिलो 25 ईयर्स के हैं वो भी लाखों कमाए, अबाउट 25 के हैं उसके लिए तो हम लोग बैठे हैं सर। दोस्तों अभी आता हूं 2021 का, अभी 2021 मेरे लिए तो एकदम मतलब चार्मिंग, यंग चार्मिंग डायनामिक एनर्जेटिक लग रहा है। कारण क्या है? पहला कारण वो थैंक टू मेरे गुरुदेव डॉक्टर नारायण को, सर वापस एक बार दिल से धन्यवाद। कारण सर मलेशिया प्रोग्राम में मैं था, आप आए थे सर मलेशिया प्रोग्राम में? हाँ बताइए सर, मेरे को दिखता है बराबर, आप मलेशिया प्रोग्राम में आए थे। मेरी वाइफ स्लिम है सर, निखिल स्लिम है, मेरी बेटी स्लिम है बराबर। कोई एक आके मेरे को पूछा कि सर आपके 3 बच्चे हैं क्या? मेरी वाइफ भी स्लिम है, वो भी 45 किलो है, निखिल 45 है, मेरी बेटी 38 है। मेरे को एक आदमी आके पूछा कि सर आपके 3 बच्चे हैं क्या? मैं बोला यार मेरी बीबी मतलब कंपैरिजन में साला मैं 125 किलो का बराबर 110 किलो का, और मेरी वाइफ इतनी, ये यंग डायनामिक। फिर भी बोला ठीक है चलो। फिर दुबई प्रोग्राम था, मैं बहुत मुश्किल से कोशिश करके 10 किलो कम किया सर बराबर, 100 किलो भी आया। फिर भी मेरे को उस प्रोग्राम में भी एक डायमंड अपने स्टेज पे आए बराबर, वो डायमंड जानता है मैं जानता हूँ बराबर, वो डायमंड स्टेज पे आए, सर अपन हेल्थ इंडस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं और आपका हेल्थ देखो सर, सलील भाई का हेल्थ देखो सर, सीए सर का हेल्थ देखो, सब सारे हेल्थ के अगेंस्ट लोग है। मैं सच्ची बात बोलता हूँ, वो डायमंड ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। पॉजिटिव वर्ड था, मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव वर्ड था, पॉजिटिव लिया। डॉक्टर नारायण को बड़े थैंक्स, सेकेंड थैंक्स टू मिस्टर के राजेश जी, थर्ड टू एंटायर मैनेजमेंट, फोर्थ थैंक्स टू द डायमंड हु मेड मी रियलाइज कि प्रवीण चंदन तू भी बदल सकता है, तेरे लाइफ स्टाइल भी बदल सकता है। दोस्तों बिलीव करो, दुबई प्रोग्राम के टाइम पे 101 किलो था, फरवरी में मेरा वेट 99 था, टुडे आई एम 58। हाउ मच सर? 58, 41 किलो आई रिड्यूस्ड। अभी डॉक्टर साहब आपने प्रोडक्ट दिया, हाँ साथ में डिसिप्लिन रखा नो डाउट, लेकिन ये डिसिप्लिन के साथ
मन के अंदर वो डायमंड की बात को रखी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, खुद को मोटिवेट करते गया। पॉइंट नंबर थ्री, एक डेडिकेशन लेके आया। पॉइंट नंबर फोर, डॉक्टर साहब कोरोना था, बिल्डिंग के बाहर जा नहीं सकता, दिन में 10 किलोमीटर वॉकिंग कर लो भाई, 8 किलोमीटर वॉकिंग कर लो, 6 किलोमीटर वॉकिंग कर लो। हाँ मैंने किया, जो जो डिसिप्लिन, अभी मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, नो डाउट। 8 महीना लिया, मार्च से लेके 8 महीना लिया, 1.5 महीने से मैं नहीं ले रहा हूं अभी कोई प्रोडक्ट डॉक्टर साहब, जस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ। दोस्तों ये, इसके लिए मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं कि ये वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं है, ये वेट मेंटेन का प्रोडक्ट है। मेरे को, मेरे वो डायमंड सर को बताना है कि प्रवीण चंदन विल बी लाइक दिस फॉर एवर, विल बी लाइक दिस फॉर एवर, मतलब आगे चल के 10 साल के बाद भी आप देखोगे मेरा वजन 58 to 60 के बीच में रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा सर। दिस इज माई वर्ड, दिस इज वॉट आई हैव टेकन, दिस इज वे आई हैव थिंक एंड आई हैव थॉट, दिस इज थेरेपी। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, एक सेकेंड सर, ए भाई फोन ऑफ कर। दोस्तों ये जो थेरेपी है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका नाम फास्ट किसके लिए रखा सर? एक कारण, हम सब लोगों को लाइफ में फास्ट सीढ़ियां चढ़नी है। तब मैं, डॉक्टर साहब, राजेश भाई और थोड़े लोग बैठ के इतने नाम सोचे, फिर बाद में हमने सोचा फास्ट बोलने में इजी है, मान शक्तिमान बोलने में इजी है, बराबर। जो चीज मुंह में इजीली आ जाए वो जल्दी बिकता है। और दूसरा, मैंने पहले यूज करके वेट लॉस करने का कारण ये था, मैं एक चीज जानता हूं, जो हमेशा बोलता हूं, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। अभी सलील भाई, ही लॉस्ट विद दिस प्रोडक्ट 28 kg। सलील भाई ने 28 किलो कम किया है, मैंने 41 किलो कम किया है। आने वाले कल देखोगे, माई डायमंड सर, जिसने आप मेरे को स्टेज पे बोला था, मैं उनका भी बोल रहा हूँ सर, एंटायर मैनेजमेंट, आरएम हो या सीईओ सर हो या कोई भी हो, सारे लोगों को आप एक साल में जब स्टेज पे देखोगे तो आप मेरे को बोलेंगे कि प्रवीण सर, यू ऑलवेज स्टैंड बाय योर वर्ड्स, बराबर। जो आप कमिट करते हो आप वो हॉनर करते हो, और इस बार तो आपने आपके ऊपर बता दिया है, और आगे आने वाले पे एक साल पे, और इवन मेरे जितने एनटीसी नंबर, जितने फैमिली मेंबर आज इधर बैठे हुए हैं, आप सबको भी बोलूंगा, आप भी ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। ये प्रोडक्ट सिर्फ सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये मेरे अंदर इतनी एनर्जी देती है, इतनी एनर्जी। आज मैं 12 से 15 किलोमीटर जॉग करता हूं सर, जॉग, पहले 4 किलोमीटर वॉक नहीं कर सकता था, आज मैं जॉग करता हूं, योगा करता हूं, सब कुछ मेरे से पॉसिबल है। ओनली रीजन व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज ये प्रोडक्ट की कमाल है। दोस्तों इसमें पूरा इंडिया में ये 88 प्रोडक्ट है। अब नेटवर्क इंडस्ट्री ले लो या कोई भी इंडस्ट्री ले लो, जिधर स्लिमिंग किट है दोस्तों, सूप, सूप के साथ शेक, शेक के साथ दवाई, ये कॉम्बिनेशन आज दिन तक पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं लेके आई है, और ये वी आर दी फर्स्ट कंपनी। और अपना इसमें जो फॉर्मुलेशन है, इसका रिजल्ट दोस्तों आप आने वाले कल पे देखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल प्रोडक्ट, और ये 100% हिस्ट्री क्रिएट करेगा। ये प्रोडक्ट मैं जनवरी में लॉन्च किया, इसके लिए बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये जनवरी में ही अपने लोगों की इनकम बढ़े। आई वॉन्ट ऑल माई डिस्ट्रीब्यूटर्स इनकम टू गेट इंक्रीज विद द सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, लव द प्रोडक्ट, रेकमेंड द प्रोडक्ट, एंड मेक श्योर एवरी मंथ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स आर बाइंग दिस प्रोडक्ट, और व्होएवर वी सेल दे बाय द प्रोडक्ट विद द सपोर्ट ऑफ आवर फास्ट गुरु। Fast Guru has given a commitment that he will exercise this in a beautiful way. Har ek bande ko har ek cheez ki knowledge denge, har ek cheez ki knowledge denge. Aapko knowledge bhi milega, product ka confidence bhi hai, barabar, aur samne examples bhi hai. To aap binda aankh band karke maal becho, sochne ki zarurat nahi hai. Elements brand, aap duniya jaanti hai ki apna brand ka value kya hai. Bas jo mota dikha usko bula le bhai, agar आगे बात कर, पैसा ढीला कर, बराबर, ये तेरे को तेरी लाइफ बदल देगी।
और साथ में इनकम भी देगी, एकदम सिंपल एंड क्लियर। ज्यादा टेक्निकल अगर जरूरत पड़ेगा तो सलील भाई से, राजेश भाई से या डॉक्टर साहब से अपन ले लेंगे, लेकिन मार्केटिंग एंगल में पूछोगे तो माल दिखाओ, माल बेचो, पैसा लो, बराबर इंसेंटिव आना चाहिए। सही है कि गलत है? राइट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। और दूसरा, जनवरी महीने में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं 2021 बहुत डिफरेंट देख रहा हूं। दोस्तों आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट मंथ फेब्रुवरी मंथ देयर विल बी बूम। क्या है बूम? ऐसा एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में आज दिन तक ऐसा प्रोडक्ट किसी ने लॉन्च नहीं किया होगा, बराबर। जस्ट सोचो 15 साल पहले या 20 साल पहले कोई मोबाइल फोन में जानता नहीं था, लैंडलाइन फोन था, राइट और रॉन्ग? आज सबके पास मोबाइल फोन है। आने वाले 5 साल में क्या चीज आपके घर से निकलने वाली, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आने वाले 2-3 साल में आपके घर से एक चीज निकल जाएगी, उसका रिप्लेसमेंट जो है, जो 5 साल के बाद होने वाला है, मैं वो अगला महीना प्लान कर रहा हूं सर, और वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड आपको काम आएगा। उससे आई एम डैम श्योर ये प्रोडक्ट से अपना कंपनी का टर्नओवर 2-3 times बढ़ेगा, और वो प्रोडक्ट से बेर मिनिमम 10 times बढ़ेगा। और हमारे डायमंड लोग बोलते हैं, मोबिन सर बोलते हैं, अश्विनी जी बोलते हैं, चंचल जी बोलते हैं, कदम जी बोलते हैं, राजेश यादव जी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि सर हम एशिया का नंबर 1 कब बनेंगे। मैं सिर्फ एक ही दिन बोलता, अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाएंगे। दोस्तों अगला महीना एक धमाका दूसरा है, एक बूम होने वाला है, और ये साल आप देखो कम से कम 10-12 नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने वाला हूं। एक साइड पे प्रोडक्ट लॉन्च करता जाऊंगा, एक साइड पे लोगों की इनकम बढ़ाता जाऊंगा, एक साइड पे एजुकेशन बढ़ाता जाऊंगा, एक साइड पे आपकी लाइफस्टाइल चेंज करता जाऊंगा। दोस्तों अभी फॉरेन टूर नहीं है, फिर भी अगला महीना एक ITC एंड अबव 2 days, 1 night or something like that मैं एक प्रोग्राम रख रहा हूं। उस प्रोग्राम में 2 चीजें होंगी, एक मंडे जो प्रोडक्ट खरीदेगा, और 1 महीने के बाद जब अपन ITC मीट रखेंगे, लॉन्च रखेंगे, उस दिन उसका टेस्टिमोनियल अपन सुनेंगे लाइव ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो ITC मीट में ही मैं ए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इन अ डिजिटलाइज्ड वे मैं लॉन्च करने का सोच रहा हूं। दोस्तों लॉन्च का डेट फाइनल नहीं किया है, बिकॉज मेरे को थोड़े टेस्टिमोनियल्स चाहिए फॉर फास्ट के लिए, FASC प्रोडक्ट के लिए मेरे को थोड़ा टेस्टिमोनियल्स चाहिए, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। दोस्तों आप सबको इतना बोलता हूं, आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर। दोस्तों कोरोना एक सुनामी के जैसे आया था, पूरी दुनिया हिल गई, इंडिया में बहुत से लोग हिल गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लोग हिल गए, स्कूल तो आज भी तकलीफ में, सारे लोग हिल गए, फिर भी MI लाइफस्टाइल के लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एकदम स्ट्रांग खड़े, एकदम स्ट्रांग खड़े। दोस्तों आपका जो विश्वास मेरे ऊपर है, आपका जो भरोसा मेरे ऊपर है, हमेशा मैं छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों मैं हमेशा मेरा प्रॉमिस कीप अप करूंगा, आई प्रॉमिस। ना எல்லாரும் ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, நான் ஒரு விஷயம், 41 கிலோ வெயிட் லாஸ் பண்ணேன். ஒரு சிலவங்க ஹிந்தி புரிஞ்சிருக்காது, அதனால தமிழ்ல பேசுறேன், ஏன்னா தமிழ் மலையாளிஸ் ரொம்ப பேர் இருக்கீங்க, they can able to understand. Second, focus on business. I was dedicated to lose weight. I was totally focused to lose weight. Third important, more important, friends, in lifestyle, in my lifestyle, right? Praveen Chandan இது வந்து சொன்னது எல்லாம் பண்ணிருக்காரு. 2021-2022, we are going to do wonders. Before some days, I was reading a book. A monk who has different ideas. How he has succeeded in his life. What a kind of God is that? Friends, when I read that book, only one thing I understood, whatever, whoever is a monk, whether it's a Hindu monk or Jain monk or any monk, those all monks, they have been successful without even having 1 single rupee in their pockets. Why?
their brains are एकदम peaceful. Reason for that, they always follow one thing. Whatever is their guru has told, they have accepted, they have followed, because of which all monks are happy and peaceful. This is what I learned from that book. Friends, imagine in place of a guru. Think that you are applying is your guru. You are applying is his guru. His applying is management, their guru. Same thing, we all are your gurus. Say for example, we are guru, we are telling you, this is morning, believe it is a morning. It is evening, believe it is an evening. It is night, believe it is a night. I promise you, I assure you that in your future, it will be shining, it will be great, it will be beautiful, because a guru knows whether to give honey or whatever to the student. I know time to time what I have to give to my family members. To my family, I know this time what I have to give. This time what I have to give. This time, see, when it is required, we are given free masks and sanitizers. Am I right or wrong? Free masks and sanitizer we are done when it is required. Today, we are selling masks also. जैसे रिक्वायर्ड उस टाइम पे रिक्वायरमेंट बहुत था, हमने फ्री दिया. अभी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है, लेकिन आज भी आयुर्वेदिक मास्क दे रहे हैं. किसके लिए? हमको मालूम है उसका बेनिफिट्स कितने हैं. दोस्तों आपको ये भी बोलूंगा, आयुर्वेदिक मास्क को भी प्रमोट करो, वो बहुत हेल्पफुल है ब्रीथिंग के लिए, हेल्थ के लिए. दोस्तों ऐसा ही आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप, ये सारी चीजें लिस्ट है मेरे पास, पूरी लिस्ट पड़ी है क्या क्या प्रोडक्ट अपन लॉन्च करने वाले. अभी कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों. आज का लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर था, और वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही कहता है, बस आपको अभी उतर के काम करना है. सिर्फ जूस नहीं बेचना है, बराबर. सिर्फ जूस पी के थक जाओगे, बराबर, नहीं होगा. तो क्या लिख के था इधर जूस पीने वाले जो थे, बराबर, इधर कुछ लिख के आता था, बराबर. मेरा पॉइंट ये है कि वो कौन कंपनी है, क्या कंपनी, हमको लेना देना नहीं. अपने को सही सिस्टम से, सही डिसिप्लिन से, सही डेडिकेशन से, सही फोकस से अपने को प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, और विदाउट कंप्लेंट. फ्रेंड्स, फॉलो व्हाट एवर डॉक्टर साहब हैज टोल्ड, फॉलो व्हाट एवर राजेश भाई हैज टोल्ड, फॉलो व्हाट एवर सलील भाई हैज टोल्ड, 101% अपने को रिजल्ट मिलेगा. दोस्तों मैंने ये प्रोडक्ट के ऊपर इतना बड़ा विजन इसके लिए रखा है कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, वेट लॉस किया है, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि यार अपने पूरे भारत में कई ऐसे लोग हैं जो आज ओबेसिटी से मरते, कैंसर से मरते, डायबिटीज से मरते. दोस्तों आज मेरे को टच वुड, मेरे को डायबिटीज नहीं है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मेरे को बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है. मेरे फैमिली डायबिटीज फैमिली, माय फादर माय मदर दे हैव डायबिटीज, माय एल्डर ब्रदर धवल भाई ही हैज डायबिटीज, बट डायबिटीज हैज नॉट टच मी, बिकॉज डायबिटीज टच करने से पहले ही मैं वेट लॉस कर दिया. थैंक्स टू द डायमंड अगेन, थैंक्स टू डॉक्टर साहब, थैंक्स टू एवरीवन, बिकॉज कि मेरे को आज मालूम होता है कि लाइफस्टाइल क्या होता है, दुबला होने का मजा क्या है, पतले होके कपड़े पहनने से मजा क्या है, मोटा होते शर्ट ऐसा लटकता है, और अभी कपड़ा पहनने में जो मजा है वो मजा है. दोस्तों आप सबको जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, बिलीव मी वी आर देयर फॉर यू विथ यू ऑलवेज. कितना भी बड़ा सुनामी आ जाए, कोरोना आ जाए, सेकेंड फेज थर्ड फेज कुछ भी आ जाए, अपने को कोई हिला नहीं सकता, बिकॉज भगवान अपने साथ है और मैं आप सबके साथ हूं. बराबर, कुछ भी हो जाए, अप टू द लास्ट ब्लड इन माई बॉडी आई विल बी फॉर माई लाइफ स्टाइल. जय हिंद, जय 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 माई लाइफ स्टाइल. ऑल द बेस्ट टू ऑल यू पीपल. मे 2020-21 मेक यू हैप्पी, मोर हैप्पी and delicious. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir.